जामुन जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। यहां एक बात आपसे निवेदन करूं, भगवान यहां पर एक संकेत करना चाहते हैं, किसी भी सभा में, किसी भी संस्था में, किसी भी समूह में कुछ वृद्ध जनों का होना अति आवश्यक है। आप इस बात को समझिएगा, यदि जामवंत जी महाराज इस हनुमान जी के साथ आज न होते तो हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर डालते। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वानर और मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। हनुमान जी वानर के रूप में है, अस्तु हनुमान जी रावण को समाप्त ही कर डालते आज। लेकिन जामवंत जी ने कहा कुछ मत करिएगा। क्यों? आप समाज में देखिएगा, जहां केवल युवा लोग रहते हैं वहां बिना मतलब में मारपीट कर लेते हैं, और वृद्ध जन जहां रहते हैं वहां किसी भी समस्या को वार्ता से सुलझाने का प्रयास करते हैं। क्यों? तीन अवस्था है मनुष्य के जीवन का। कौन कौन सी अवस्था है? सबसे पहला बचपन, बचपन के बाद जवानी, और उसके बाद बुढ़ापा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, याद करने की शक्ति। आपको यदि 2 महीना इटली में छोड़ दिया जाए तो आप इटली की भाषा नहीं बोल पाएंगे, और आपके घर के छोटे से बच्चे को यदि 1 साल छोड़ दिया जाए तो आएगा तो उधर से इटली बोलना शुरू करेगा, इटालियन बोलना शुरू करेगा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, जवानी में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल होती है, और बुढ़ापा में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवान उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है, इसी कारण घर में, समाज में, समूह में वृद्ध जनों का सदैव सम्मान किया जाए, उनका सत्कार किया जाए, और जीवन में उनके अनुभव का लाभ उठाया जाए। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाइए और आकर राम जी को बताइए। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि परखेउ तुम भाए, तब लग मोहि परखेउ तुम भाए, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगिया वो सीत ही देखी, जब लगिया वो सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष बिसेखी, होई ही काज मोहि हर्ष बिसेखी, यह कहि नाइ सबन कहूँ माथा, यह कहि नाइ सबन कहूँ माथा, चले ओ हरसि ही अधर रघुनाथा, चले ओ हरसि ही अधर रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, हनुमान जी कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ, हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर कपियों को प्रणाम करके कूद कर चढ़ गए। चढ़ने के बाद बाबा कहते हैं, वहां से बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर, बार बार बोलने लगे। क्या बोलने लगे? भगवान के नाम का संहारने लगे। जय श्री राम, 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 बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे, तर के उपवन तनय बल भारे, तर के उपवन तनय बल भारी, जेहि गिर चरण दे हनुमंता, जेहि गिर चरण दे हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता, चले उसुगा पाताल तुरंता,
मिया मोघ रघुपति कर पाना मोघ रघुपति हनुमान जी यही भांति चलो हनुमाना यही भांति चलो हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारे जल निधि रघुपति दूत बिचारे ते मैं ना कहो ही श्रम हारे ते मैं ना कहो ही श्रम जामन जी ने कपियों को कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूं आप यहीं रहिएगा, मैं जा रहा हूं, मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रसन्न चित्त होना बहुत आवश्यक है। क्यों? जिस कार्य के प्रारंभ में आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं है, सावधान, कितना भी उपाय करिएगा कार्य पूर्ण होने में संदेह है। हनुमान जी कहते हैं होई ही काज काम होगा, क्यों मोहि हरस अभिषेक, मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। चले सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़कर बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके हनुमान जी चले हैं। हनुमान जी चले तो हनुमान जी के चलने से पाताल तक कंपन उत्पन्न हो गई, पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। क्यों? ये गति का सिद्धांत है। आप में से वो जो लोग गति के सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे, न्यूटन ने गति के तीन सिद्धांत दिए, उसमें जो तीसरा सिद्धांत है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें न्यूटन कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हवाई जहाज आगे बढ़ता है तो वहां भी गति का तीसरा सिद्धांत है, जितने वेग से वो पीछे थ्रस्ट छोड़ता है उसी वेग से आगे बढ़ता है, ठीक ना? उसी सिद्धांत से हनुमान जी महाराज गए। जितने बल से हनुमान जी ऊपर उठे उतना बल नीचे गया, और नीचे गए हुए बल का परिणाम क्या भया? पाताल तक सब कुछ कांपने लगा, धरती के सात तल नीचे पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक आप ऊपर आइए, ये जो ऊपर आकाश में जा रहे हैं ये राम जी के दूत हैं हनुमान जी। मैनाक आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, तब से उड़ रहे हैं, यदि आप ऊपर निकल आइएगा तो हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक समुद्र से तनिक बाहर आए और हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए आप हैं कौन? मैनाक बोले मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है, रुकिए काका जी मैं आपको प्रणाम कर लूं पहले। हनुमान तेहि परसा कर, हाथ से स्पर्श किया, पुनि कीन्ह प्रणाम, और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। आपको प्रणाम करता हूं परंतु विश्राम नहीं लूंगा। क्यों? जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर देता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चल पड़े। कंपन कहां तक गई थी? हाँ कहिए, पाताल तक। धरती के नीचे सात लेयर है, सात तल नीचे पाताल है, अतल बीतल, बीतल सूतल तलातल महातल रसातल
रसातल के बाद स्थान आता है पाताल का। इसी पाताल में देवता लोग रावण के डर के मारे जाकर छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना, तो देवता डर गए। क्यों? रावण भी जब चलता था, गोस्वामी जी कहते हैं, चलत दसान न डोलती अवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा, देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है वो। अरे पता करो, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है, भागेंगे यहां से हम लोग। एक देवता ऊपर आए, पता लगाकर बोले, बोले रावण नहीं आ रहा है, लेकिन हनुमान जी जा रहे हैं लंका। अब यहां देखिए, जो आदमी अपने किसी स्थान पर मार खा के आया रहता है ना, तो वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे मैं गया था तो मेरा वेलकम हुआ, वैसे इनका भी वेलकम होगा। देवताओं को हनुमान जी के बल पर विश्वास नहीं है, उनको लगता है ये भी जाएंगे तो मार खा के चले आएंगे। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई और बोली, ए बानर, देवताओं ने मुझे तुमको भेजा है भोजन करने के लिए, मैं तुमको खाऊंगी अभी। हनुमान जी बोले, माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना लेने जा रहा हूं, थोड़ा टाइम दो, मां की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला आऊंगा। बोले ना, कवने वो जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, ग्रससी नमो ही कहे हो हनुमान। जाने नहीं दोगी, कोई बात नहीं, खा लो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। खाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है ना। तो सुरसा ने हनुमान जी को देखा और एक जोजन का मुख खोला। कितना कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर लंबा मुंह खोला। हनुमान जी दो जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर। अब ये खेल शुरू भया। बाबा कहते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, सो रह जो जन मुक्ते भयो, सो रह जो जन मुक्ते। हनुमान जी तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, आ सत जो जानते ही आनन के ना, आ सत जो जानते ही आनन। सुरसा ने एक जोजन का मुंह बनाया। हनुमान जी कितने के हो गए? कहिए कहिए। दो जोजन बा बेटा। हनुमान जी बढ़ना शुरू है। सुरसा 4 योजन, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50 योजन, हनुमान जी 100 योजन। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने सत जो जन तही आनन, आनन यानी मुख, 100 योजन का मुख खोला। यानी ये मुख जो खुला, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे, यदि 200 योजन का हो जाऊंगा, आधा शरीर पहुंच जाएगा राम जी के पास, आधा पहुंच जाएगा सीता जी के पास, फिर भगवान क्या बोलेंगे, हनुमान करने क्या लगा यहां पर। तो जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए और
बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। सुरसा ने 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोला है। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर सुरसा के भीतर गए। पेट में आधी घंटा थे, क्या कर रहे थे वो आधा घंटा? सब देख रहे थे, सब बढ़िया उड़िया है ना, ठीक ठाक है ना, कोई गड़बड़ी कोई बीमारी तो नहीं हो गया इसको? पूरा अन्वेषण किए, चेक किए उसके भीतर में, हाँ देखिए कहीं लंग्स में इसके इन्फेक्शन तो नहीं है, थोड़ा झारे वारे गदा वदा भाजे भीतर, और उसके बाद बाहर चले आए। हमसे एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जब हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद किया, क्यों मुख खोल के रखी थी कि हनुमान जी बाहर निकल गए? 1200 किलोमीटर लंबा खुली है वो, हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है जाने में, बेचारी अभी आधा ही बंद कर पाई थी तब तक हनुमान जी महाराज बाहर निकल गए। बाहर निकले और प्रणाम करके बोले, मां अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, इस नाते मैं तुम्हारा बेटा हो गया, क्या अब भी तुम मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था, मुझे पता चल गया, आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया, जाइए आपको आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसी चले ओ हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा गई है, हनुमान जी चले और ठीक लंका के पहले एक राक्षसी है सिंह का समुद्र में, उसका काम था कि आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को पकड़ के खींचती थी, परछाई पकड़ लेती थी, छाया और परछाई पकड़ के खींचती थी और पानी में डुबो के मार देती थी, वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी के परछाई को पकड़ के लगी खींचने, हनुमान जी नीचे देखे समझ गए ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये मारने आई है। हनुमान जी नीचे गए और जाकर जैसे नीचे पहुंचे सिंहगा के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया, जय श्री राम, एक ही मुष्टिका में समाप्त हो गई। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयउ। सिंहगा को मारकर हनुमान जी लंका के त्रिकूट के एक कूट पर चढ़ गए, शिखर पर सोचने लगे क्या करूं। लंका को देखा, जहां देखते थे वहां रखवाले दिखाई पड़े। हनुमान जी निर्णय किए कि दिन में जाना उचित नहीं है, रात्रि में प्रवेश करूंगा, संध्या के समय अंधकार हो जाएगा तब प्रवेश करूंगा। संध्या के बेला हनुमान जी महाराज छोटा सा, यहां मशक कहा गया है, मशक यानी मच्छर नहीं बन गए हनुमान जी, मशक का एक और अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, उस बच्चे का जो आकार होता है उस आकार का नाम मशक है। जितना बड़ा बिल्ली का बच्चा है, स्वरूप हनुमान जी का वानर का ही है, आकार छोटा कर लिया, बिल्ली के नवजात बच्चे का आकार बनाकर छोटा सा रूप, और दबे पांव हनुमान जी लंका में संध्या बेला में प्रवेश करने लगे। बाबा कहते हैं, मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, सो कह चले सी मोहिनी दरे, सो कह चले सी मोहिनी दरे, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। कहते हैं हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे चलने लगे। लंका के मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को पहरे में बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। मेन गेट पर मुख्य द्वार पर बैठी है,
और संयोग बस कहिए लंकनी ने हनुमान जी को दबे पांव लंका में प्रवेश करते देख लिया, जोर से चिल्लाई, दबे पांव लंका में चोरी करने जा रहा है, तू जानता नहीं सठ मैं चोर को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। जैसे हनुमान जी को लंकिनी ने सठ कहा, हनुमान जी को आया आवेश, रूप धारण किए विशाल, मुष्टिका बांधे लंकिनी के सर पर एक मुष्टिका, जय श्री राम, मुठिका एक महाकपि हनी मने बुझाता है आपको, हनी बुझाता, हनी मने धर देना, दबा के, मुठिका बांधे एक छोटा मोटा नहीं महाकपि, ए मुड़िया पकड़ के उसका एक मुष्टिका मारा, खून की उल्टी करके फेंका गई। ढिमुलिया मारना देखा है आपने, गुलाटी मारना, हम लोग छोटे थे तो बचपन में गुलाटी मारते थे, यहां से लपेटते लपेटते वहां तक चले जाते थे। कहो मारे हो कभी पंडित जी आप, मारे हैं गुलाटी? अभी मारते हैं, अरे माँ बच के मारिए, कमर उमर कहीं खसक जाएगी, कथा होता करनी है। मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी। हनुमान जी महाराज खून की उल्टी मारे, हनुमान जी महाराज लंकिनी खून की उल्टी की और उतनी दूर तक चली गई। हनुमान जी गए जाकर उठाए, बोले कैसा लगा, कैसा लगा प्रसाद जो दिया हूं, कैसा लगा? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली यही पहचान पत्र था, ब्रह्मा जी ने रावण को जिस समय वरदान दिया उस समय मुझे बुलाकर कहा था ब्रह्मा जी ने, लंकिनी जिस दिन तुझे कपि मारेगा समझ जाना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है, तुम्हें जो कपि मारेगा वो कोई साधारण कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम का भक्त हनुमान होगा, उसके मारने से तुम्हारा उद्धार हो जाए। हनुमान जी को देखकर लंकिनी गदगद हो गई, कही आपके साथ आज जो सत्संग भया न मैं बता नहीं सकती, इस मुलाकात को मैं जीवन में भूल नहीं पाऊंगी। हनुमान जी बोले मुलाकात की मुकालात, वही 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 जो मिला है जीवन भर याद रखूंगी मैं। लंकिनी ने हनुमान जी को कहा भीतर जाइए, प्रभिषि नगर की जय, सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा, करल सुधार पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई, गरुण सुमेरु रेनु समताहि, राम कृपा चरि चितवा अतिलघ रूप धरउ हनुमाना, अतिलघ रूप धरउ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयउ दसानन मंदिर माही, गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपि तेहि, शयन किए देखा, परंतु मंदिर महु न देख वै देहि, मंदिर महु न देख वै देहि, भावना एक पुनि देख सुहावा, भावना हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, प्रभु मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए और आपको बताऊं पूरी रात्रि
हनुमान जी लंका के द्वार द्वार पर गए। जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। श्री हनुमान जी महाराज रावण के घर में गए, महल में जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया था। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, हनुमान जी रावण के भोजनालय में गए, किचन में, तो रावण की जूठी थाली रखी हुई थी। सरकार रावण की थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु अब निकट आ गई है। क्यों? उसने थाली में दही जूठा छोड़ा था और दही जूठा छोड़ने पर आयु क्षण होती है। जो थाली में दही लेकर जूठा छोड़ दे उसकी धीरे धीरे आयु क्षण होती है। इसलिए आप देखिएगा बुजुर्ग लोग जब दही पीते खाते हैं तो दही खाने के बाद कटोरी में पानी डाल के घोर के पी जाते हैं। यहाँ का तो मुझे नहीं पता, हमारे तरफ बुजुर्ग लोग दही की कटोरी में पानी डाल के लपेट के पी जाते हैं। थाली में कभी दही या तो लिया ना जाए, लिया जाए तो पूरा उसको साफ किया जाए। थाली में दही जूठा छोड़ा था रावण। हनुमान जी देखकर मुस्कुराए, अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है, कहीं सीता जी नहीं मिली हनुमान जी को। ढूंढते ढूंढते हल्का हल्का सवेरा भया, उजाला भया, उसी में हनुमान जी को एक विशेष घर दिखाई पड़ा। विशेष घर क्यों? इस घर के दीवाल पर, मंदिर के दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। श्री हनुमान जी महाराज देखते समझ गए कि एक अवश्य किसी भगवान के भक्त का घर है, लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए? लंका निसिचर निकर निवासा, इहां कहां सजन करवासा। लंका में भगत जी, हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर ही रहे थे कि कहां से भगत जी चले आए, उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय हनुमान जी घर के बाहर सोच रहे हैं और घर के भीतर विभीषण जी महाराज जग गए। अब यहां पर एक बात समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं, जगाया गया। किसने जगाया? मेरे राम जी ने जगाया। हो आप भगवान के कार्य में निकलिए, परमार्थ में निकलिए, सत्य मार्ग पर निकलिए, तो आपको चिंता नहीं करनी है। समय समय पर, स्थान स्थान पर भगवान ही आपको लोगों से जोड़ते जाएंगे और आपका कार्य जीवन में पूर्ण होता रहेगा। हनुमान जी महाराज विभीषण जी का एड्रेस लेके नहीं गए थे, है? विभीषण जी को भगवान ने जगाया। विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले, पता है क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन की हृदय हरस कपि सजन चीहा। विभीषण जी महाराज बेडरूम में जगे, जगने के बाद राम राम बोले। बाहर हनुमान जी सुने, हनुमान जी सुने राम राम, ये तो हमारे वाले भगवान के भगत जी हैं, यानी हमारे ग्रुप के आदमी हैं, इनसे पहचान करूंगा तो कोई कष्ट नहीं होगा। अब पहचान कैसे होगा? तो हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ऐ ब्राह्मण का रूप बना के लगे हनुमान जी महाराज कीर्तन करने, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। विभीषण जी सुने लंका में राम सिया राम सिया, लंका में राम राम कहने का परमिट केवल मेरे पास है, और ये खुलियाम राम राम कह रहे हैं, इसका मतलब जो भी कह रहा होगा वो लंका का नहीं है, अवश्य कोई विदेशी आया है, यहां का तो हो ही नहीं सकता। विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए, हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे, प्रणाम किया, परिचय पूछा, आप हैं कौन? पहले ये बताइए आप कुशल हैं ना?
हनुमान जी बोले सीधे कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले कि यहाँ राम राम कहना राष्ट्रद्रोह है और आप खुलियाम राम राम बोल रहे हैं, किसी ने आपको मारा नहीं ना अब तक, कुशल है ना आप, ठीक है ना? हनुमान जी बोले मेरी कुशलता मत पूछिए, पीछे दो लोगों को प्रसाद बांट के आया हूं मैं, यदि कुशलता लेनी है तो उनकी जाकर लीजिए, वो कुशल है कि नहीं, मैं तो एकदम आनंद में हूं। विभीषण जी बोले आप कौन हैं? तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज सुनत जुगल तन पुलक मना मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने अपना नाम बताया, उसके पहले पूरी राम कथा सुनाई और कहा विभीषण जी मैं भगवान का दूत हनुमान हूं, सीता मैया का पता लगाने आया हूं। विभीषण जी और हनुमान जी में दिव्य वार्ता भई है यहां पर। विभीषण जी के विश्वास को और दृढ़ता प्रदान कराया है। विभीषण जी बोले हनुमान जी से, हनुमान जी क्या कभी भगवान मेरे पर भी कृपा करेंगे? ये बात अच्छी नहीं है। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। बार बार मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं, आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले हम लोग बिहार में एक जिला है गोपालगंज, वहां कथा गा रहे थे, तो एक 85 वर्ष के बाबूजी मिलने आए हमसे, कमरे में आए, अवस्था देखकर मैंने प्रणाम किया उनको, कुर्सी दी बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठे और उनका पहला वाक्य, महाराज जी हमारे पर भगवान की कब कृपा होगी? अब वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों महाराज आप? हमने बाबूजी आपकी उम्र कितनी है? बोले महाराज जी 85 रनिंग है। हम के बाबूजी आपकी उम्र में लोग चले जाते हैं और आप बने हुए हो, ये क्या भगवान की कम कृपा है आप पर कि आप यहां बैठे हैं? ये कृपा नहीं है? आप बिना लाठी लिए आ गए यानी घुटना सही है, कान में ठेपी नहीं लगा है यानी कान सही है, आंख में चश्मा नहीं पहने हो, बोले महाराज आंख सही है अभी, दांत असली है कि नकली? बोले महाराज असली है। बोले भगवान कैसे कृपा करेंगे? यदि इतने पर भी हमको भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा है तो हमसे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं है माई बाप। याद रखिएगा, रात को हम सोते हैं और सवेरे जग गए, ये भगवान की कृपा मानिएगा अपने पर। कई लोग सोते सोते चले जाते हैं, रात को सवेरे जग जा रहे हैं, कृपा है। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी क्या प्रभु कभी मेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले करेंगे मतलब अभी हुआ नहीं है क्या? अरे विभीषण जी जब भगवान मेरे जैसे अधम पर कृपा कर दिए हैं तो आप पर तो कृपा बरस रही है, इस संशय से बाहर रही है आप। इतनी ऐसी बात कही विभीषण जी को कि विभीषण जी ऊर्जा में बढ़ गए। विभीषण जी से अशोक वाटिका में कैसे जाना है युक्ति पूछकर हनुमान जी महाराज वही छोटा रूप धारण करके और सीता मैया के जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी ऊपर जाकर अशोक वृक्ष पर बैठे। तरु पल्लव महरहा लुकाई करे विचार करो का भाई। वृक्ष के पत्तों के पीछे हनुमान जी महाराज छिप गए, सोचने लगे क्या करूं अब। उसी समय रावण आया, सिपाही सैनिक साथ में है, मंदोदरी आदि रानियां हैं, दासियां हैं, आया और अनेक प्रकार से मेरी सीता मैया को डराने धमकाने लगा।
रावण केवल एक बात कहता है मां से कि एक बार बिलोक मम ओरा, सीता तुम एक बार केवल मुझे देख लो, ये मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं मैं सबको तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, तुम एक बार देख लो मुझे। सीता मैया ने तिनके का ओट लगा लिया, तिनका समझते हैं ना, कण। अब आप पूछोगे कण से क्या होगा महाराज, सीता जी का जन्म हुआ है धरती से, तिनका कहां मिलता है, धरती पर। इस नाते तिनका मेरी सीता मैया का भाई हो गया। जब पापी माँ के सामने आया तो माँ ने अपने और पापी के बीच में अपने भाई को लाके खड़ा कर दिया। माँ कहना चाहती है, दुष्ट मैं अकेली नहीं हूं, मेरा भाई मेरे साथ है, तुझे लज्जा नहीं आती निर्लज्ज, एकांत में तूने मेरा हरण किया था रावण, तू वीर नहीं है, यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सन्मुख मेरा हरण करता तो मैं तुझे वीर मानती, निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आती अपने को वीर बताने में, अरे मेरे प्रभु सूर्य हैं और भगवान सूर्य हैं, उन सूर्य के आगे तेरी क्षमता खद्योत के समान नहीं है। अरे रावण सुना आया आवेश, निकाला चंद्रहास खड्ग, सीता के सर को धड़ से अलग कर दूंगा आज। मंदोदरी जी ने समझाया ये उचित नहीं होगा, मां की सेवा में जितनी राक्षसियां थीं उनमें मुख्य राक्षसी का नाम था त्रिजटा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। और आपको एक विशेष बात मैं बताऊं, त्रिजटा जी राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी, रावण ने जानबूझकर त्रिजटा जी को लगाया है कि त्रिजटा राम भक्त है, राम भक्त सीता जी के साथ रहेगी तो सीता जी को कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए त्रिजटा जी को लगाया है। रावण ने त्रिजटा जी से कहा, समझाओ सीता को, यदि एक मास के भीतर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा कर रावण गया। रावण के जाने के बाद बाकी जितनी राक्षसियां थी त्रिजटा जी से बोली, चलो सीता को डराया जाए। त्रिजटा जी ने बोला कि डराना बाद में, पहले मैं जो बोल रही हूं वो सुन लो, अभी सुबह सुबह भोर बेला में मैंने सपना देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जाई, एक स्वप्न देखा है कि लंका में एक बानर चला आया है। बानर जैसे बोला ना, हनुमान जी सावधान हो गए, कहीं मुझे देख तो नहीं लिए, लगे सुनने हनुमान जी। त्रिजटा कहती है कि एक सपने में देखा एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दी, सेना को मार दिया, रावण के 20 भुजाएं कट गईं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, रावण टकला हो गया है, रावण के मुख पर कालिक पुत गया है, रावण गधा पर बैठ गया है, गधे पर बैठकर रावण दक्षिण दिशा में चला गया है, विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में जहां देखो राम जी के नाम का ही जय जयकार हो रहा है, मैंने सपना देखा है आज। और इतना ही नहीं, त्रिजटा कहती है कि 4 दिन के भीतर ये सपना सत्य होने वाला है, हो ही सत्य गए दिलचारी। ऊपर बैठे हनुमान जी सुन लिए, क्या सुने, बानर ने लंका जला दिया ठीक है प्रभु, सेना को मार दिया ठीक है प्रभु, रावण के 200 भुजाएं कट गईं। हनुमान जी बोले, ये सब तो हमको विभीषण जी जामन जी बोले नहीं थे करने के लिए, लंका जलाने के लिए, सेना मारने के लिए, लगता है इसको सपना देखकर और भगवान ने मेरे पास मैसेज भिजवाया है कि बेटा इसमें से जो जो कर सकते हो पूरा करके आना। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु, थोड़ा तो कर ही दूंगा, जलाने वाली बात है जला दूंगा, निशाचरों को मारना है सेना को मार दूंगा, लपेट के मारूंगा, हाँ रावण को टकला करना है, उसकी भुजाएं काटनी है, तो जामवंत जी ने मना किया है हमको कि रावण को टच मत करना, तो ये जो काम है प्रभु आप आने पर करिएगा, इसके पहले वाला हनुमान करके आएगा। हनुमान जी निर्णय कर लिए। पूरा दिन बीता, हनुमान जी बैठे रहे, रात्रि में सीता जी अग्नि मांगने लगी त्रिजटा जी से। त्रिजटा जी ने कहा, निसिन अग्नि मिल सुन सुकु,
रात में अग्नि मिलने वाली लंका में नहीं है। क्यों? यहां कोई पकाता ही नहीं है, सब कच्चे कच्चे खा लेते हैं। त्रिजटा जी समझा के गई सीता जी, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नवीन पत्तों से अग्नि मांगती हैं। मां की इस व्याकुलता को देखकर हनुमान जी भगवान की मुद्रिका ले गए थे। भगवान की मुद्रिका कहां लेके गए थे? हाथ में पकड़े थे ना? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, 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 प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। देखिए, बच्चे के लिए, बच्चे मैंने छोटे बच्चे के लिए और बानर के लिए, इन दो के लिए सबसे सुरक्षित स्थान इनका मुख होता है। छोटे बच्चे को देखिए, कुछ भी पाएगा मुंह में डाल लेगा। अब वही स्थिति बानर की है, बानर कुछ भी लेगा मुंह में डाल लेगा। सबसे सुरक्षित स्थान, हनुमान जी भगवान की मुद्रिका मुख में रखे थे, ऊपर से नीचे गिरा दी, सोना पीले रंग का दूर गिरा मुद्रिका। सीता जी ने देखा, मां को लगा कि अशोक ने अग्नि गिरा दिया। मां गई और दौड़कर मां ने उठाया। चकित चितव मुदरी पहि चानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला। मां पहचान गई कि ये प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन तुरंत उदास हो गई। क्यों? ये मुद्रिका यहां आई कैसे? ये अजेय है, भगवान कोई जीत नहीं सकता, और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये प्रभु की ही मुद्रिका है, लेकिन यहां आई कैसे? ये मां जैसे सोच में पड़ी, हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे थे, ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर कथा प्रारंभ किए, कथा सुनते ही माता का सारा दुख समाप्त हो गया। और जैसे हनुमान जी ने कथा बंद की, मां बेचैन हो गई।
माँ कहने लगी, अरे भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आता। हनुमान जी को मां ने क्या कहा, क्या कहा, भाई क्या चौपाई क्या है वो, श्रवणामृत जेही कथा सुहाई कहे सो प्रगट हो तकिन भाई। अरे भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। हनुमान जी सोचे, अरे मैं तो माई का बेटा हूं, अब माई मुझे भाई समझ रही है, लगता है माँ मुझे पहचान नहीं पाई। जैसे माँ ने भाई कहा हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े, इतने छोटे हनुमान जी सामने माँ के कूद पड़े। माँ का एक स्वभाव आपको बताऊं, सीता मैया ना बंदर की फोटो से डर जाती थी। अयोध्या कांड में लिखा है चित्र लिखित कपि देखी डराही। आज तो सही का वानर आ गया है। जैसे हनुमान जी महाराज नीचे आए, मारे भय के सीता मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, मुख मोड़ लिया। अब आप किसी के सामने जाइए और आपको देखकर सामने वाला मुख मोड़ ले, कैसा लगेगा। मां ने मुख मोड़ लिया तो हनुमान जी बोलने लगे, मां आपने बिल्कुल ठीक किया, एकदम उचित किया मां आपने। इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है मां, जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए उस बेटा का मुख देखने लायक नहीं होता मां। मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं मां। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो, किस अधिकार से बोल रहे हो। तब हनुमान जी ने कहा, मां राम दूत मैं मां तू जान की सत्य सपथ करुणा निधान के। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं मां, और ये मुद्रिका मैं ही भगवान के पास से लाया हूं। जैसे श्री हनुमान जी ने करुणा निधान कहा, सीता मैया को विश्वास हो गया। क्यों, सीता जी इसी नाम से राम जी को बुलाती थी, और सीता जी को यह नाम दिया किसने था, पार्वती मैया ने। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान, जैसे हनुमान जी ने करुणा निधान कहा, मां समझ गई कि ये भगवान के अंतरंग भाव का सेवक है। लेकिन ये तो वानर है, प्रभु नर है। माँ ने बताया, ये बताओ हनुमान तुम तो वानर हो और प्रभु नर है, ये वानर और नर की संगति कैसे हो गई। तो हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा, बाली और सुग्रीव वाली कथा। माँ को विश्वास भया, हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया, कहा माँ कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिनों की बात है मां धीरज धरो, कपियों की सेना के साथ प्रभु मेरे आएंगे, और जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं मेरे प्रभु के बाण में सारे निशाचर भस्म हो जाएंगे। कुछ दिनों की बात है मां। अरे मां क्या बताऊं, दुहाई राम जी की, प्रभु ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं तो मैं अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, आपका बेटा हनुमान अभी आपको उठा कर ले जाता। लेकिन राम जी ने लाने के लिए नहीं कहा है मां। हनुमान जी जब ये बात बोल रहे हैं, इतने बड़े हैं केवल, अम्मा की गोद में बैठे हैं, बोले मैं आपको उठा कर ले जाता। मां सोची इसको उठाकर मैं बैठी हूं और ये कह रहा है कि मुझे उठाएगा, देखने में टैया भर का है और इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है।
तो माँ ने कहा अच्छा उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज ये तुम्हारे ही वाला है कि कोई तुमसे भी बड़ा है? यहां राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है, असली देखना है आपको। हनुमान जी से पूछा तो माँ ने कहा दिखाओगे? अभी दिखाता हूं। हनुमान जी थोड़ी पीछे भय और जो विराट रूप समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया वही विराट रूप आज माँ के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। हनुमान जी माँ के सामने लगे पढ़ने, पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते विराट रूप धारण कर लिए। माँ बोली अरे बाप इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माँ ये मेरा सबसे छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़ा दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आ, जल्दी नीचे आ, कोई देख लेगा इतना बड़ा। मेरे बेटे में तो बहुत बल है भाई। हनुमान जी रोने लगे, कहे माँ अभी अभी जो आपने बोला ना माँ बल, हमारे में बल नहीं है माँ। नहीं बल बुद्धि विशाल, माँ हम तो डाल पे रहने वाले पशु हैं, हमारा इतना ही बल है माँ कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा सके बस। और एक डाल से जब दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं ना तो अपने हाथ से अपना अपना पीठ थपथपा लेते हैं, अरे क्या छलांग लगाया है आज हमने, इससे अधिक बल नहीं है मां। लेकिन हां एक वस्तु है, भरोसा है हमें अपने प्रभु के बल पर, भरोसा है उनके प्रताप पर, भरोसा है मां। गरुण सांप को खाते हैं, गरुण गरुण यानी गिद्ध सांप को खा जाते हैं, लेकिन मां यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सांप भी गरुण को अपना निवाला बना सकता है मां। ये मेरे प्रभु का प्रताप है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने भरोसे नहीं करते, अपने भगवान के भरोसे करते हैं। हमारे में बल नहीं है मां। जैसे हनुमान जी ने ये बात कही मां से कि मां हमारे में बल नहीं है, मां ने कहा रुको अभी अभी तुम्हारी मां तुमको बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो अजर अमर गुणनिधि सुत हो करहूं बहुत रघुनायक छो करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। आशीर्वाद मिला, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ। और अंत में सीता जी ने कहा हनुमान आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बहुत कृपा करें, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। अंतिम वाला आशीर्वाद जब हनुमान जी ने सुना ना, है हनुमान जी लगे नाचने, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। आनंद मनाने के बाद हनुमान जी मां से कहते मां मुझे बहुत भूख लगी है, अशोक वाटिका में बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं मां, यदि आपकी आज्ञा हो तो खा लूं। मां ने कहा बेटे रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां पर। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोही नाही। अब उनका मुझे भय नहीं रहा मां,
क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है ना, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूं कितना बल आ गया है मेरे में। तो यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे अनुमति दे दो। मां ने तो हनुमान जी का बल देख ही लिया था, उनके विराट रूप को। तो मां ने कहा ठीक है जाओ खाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, अब पहले छक के खाए पेट भर के, और उसके बाद रखवालों को दिखा दिखा के तोड़ना शुरू किए। देखते थे कि रखवाले हमको देख रहे हैं तो तोड़ के दिखाते थे, दिखा के खाते थे। तो एक रखवाला बोला कि अपने सरदार से, एक बानर आया है तोड़ रहा है। बोला तोड़ने दो, कितना खाएगा, खाने दो खाने दो, मत देखो उधर। हनुमान जी बोले इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हनुमान जी फर्क पड़ाने के लिए अब पेड़ों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं खाए सि फल तरु तोरे लागा लागा, फल खाए और वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे।